वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज कवनीर अकेडमी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज फॉर द क्लास 9th, दैट इज द चैप्टर 4। वी हैव ऑलरेडी डन इट अप टू एक्सरसाइज 4.2। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सो इन द प्रीवियस टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू प्लॉट और हाउ टू राइट द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय यूजिंग इट्स जनरल फॉर्म। And in this one, we have to find out how many number of lines can pass through this point. So first of all, we will discuss it separately. Suppose कोई भी एक point है graph के ऊपर, suppose यही point हम graph कर लेते हैं, 1.2 point graph के ऊपर हम बनाते हैं। बनाना तो होता है, coordinate से हम कैसे बनाएंगे 1.2, easily पता आपको। इस point से कितनी lines pass कर सकती हैं? देखो, एक तो suppose करो ऐसे कोई line pass कर गई, एक ऐसे कर गई है, ऐसे कर गई, ऐसे कर गई, ऐसे 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 ऐसे, काउंट कर सकते हैं क्या? इतनी ही नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट से पास कर सकती हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ये तो क्लियर हो गया। इन सभी लाइंस जो है अलग अलग होंगी, तो इनकी इक्वेशंस भी अलग अलग होंगी। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस हम बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करें? तो इक्वेशंस कैसे बनाते हैं? ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करने से वाई की वैल्यू 2 आ जाए। तो पहले तो सिंपल देखो, इन्होंने पूछी है एक ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक इक्वेशन की बात की है। तो जस्ट क्या करो, इन दोनों को ऐड करते तो कितना बनता है? 1 और 2 को ऐड किया तो बन गया 3। तो एक इक्वेशन तो यही होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 उतरेगा माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारा पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये जो लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है ये इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 मतलब कि x माइनस y, x को माइनस y करते हैं तो कितना आता है? -1। तो एक और इक्वेशन होगी ऐसी। ऐसी हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज करो एक और हो जाएगी, y माइनस x भी हो जाएगी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, y प्लस x वाली नहीं यूज हो सकती, y माइनस x वाली तो हो सकती है, क्योंकि y प्लस x या x प्लस y एक ही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे बदल जाता है काम। ये होगी 3 इक्वेशन। ऐसे ही हम कितनी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू, अब मुझे वैल्यू चाहिए y की 2, 1 पुट x को 1 पुट करने पे। तो यहाँ पे मुझे नंबर कौन सा चाहिए? देखो 1 वैल्यू x की यहाँ पे पुट करते हैं अगर, तो 1 2 2 उधर जाके माइनस होगा। किस नंबर से 2 को माइनस करें कि आंसर 2 आ जाए? 4 होगा, अगर 4 हो जाएगा माइनस, 4 से माइनस होगा 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये भी एक इक्वेशन होगी। ऐसे ही आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक लाइन से, एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। तो हम उन्होंने एक इक्वेशन पूछी थी, तो आप इनमें से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एंड हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर? देयर आर 2 that can pass through the point 1.2। ऐसे ही कोई भी पॉइंट दिया होगा तो उनसे सभी, हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां पे एक पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है। अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उससे एक ही लाइन पास कर सकती है, दूसरी नहीं। ठीक है, अगर मैं ऐसा दिया गया है किसी ग्राफ पे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को टच करती हुई कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? एक ही लाइन पास कर सकती है, दूसरी लाइन जो होगी एक किसी एक को टच कर देगी, दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये तो जस्ट समझाने के लिए था। आप ऐसा करिए कि इसको एज ए आंसर इसका लिख दीजिए, गेट फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली करके बाकी इक्वेशन लिख लो, सिमिलरली दिस एंड दिस 3 लिख ली, तो इसके लिखेंगे देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो चारों इक्वेशन लिख लेनी है आपने। ये 3 क्यों एक्स्ट्रा लिखी हैं? ये प्रूव करने के लिए कि सिर्फ एक नहीं, 2, 3, 4 और कितनी ही ऐसी इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इसका, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसा जो मैंने आपको वादा किया था कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें कोई इक्वेशन दी गई है ऐसे x प्लस y इज इक्वल टू 7, ऐसे कोई भी किसी भी लाइन की इक्वेशन दी जा सकती है आपको।
इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट्स के, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके, जैसे हम उन्होंने बोला फाइंड आउट फोर सॉल्यूशंस इसी वीडियो में हमने किया था, ठीक है, फोर या थ्री या टू ऐसे कोई भी सॉल्यूशन हम निकालते थे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कुछ भी कर लेते, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, वाई कितना आ गया सेवन, तो एक बॉक्स बना लेना साइड में, बॉक्स से इजी हो जाता है थोड़ा सा, x की वैल्यू जीरो पुट करने पे y सेवन आ गया, साथ साथ में लिखते रहना है। अब लेट करेंगे x इज इक्वल टू वन, लेट कर लो वन प्लस y इज इक्वल टू सेवन, y इज इक्वल टू सेवन माइनस वन, y इज इक्वल टू सिक्स, वन पुट करने पे सिक्स आ गया। ऐसे ही हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस y इज इक्वल टू सेवन, y इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, y इज इक्वल टू फाइव, टू पुट करने पे y की फाइव आ गया। अब मैंने ऐसे जीरो वन और टू पुट कर दी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता था भी मेरे y की वैल्यू जो है प्रॉपर एक आंसर में आएगी। अगर आपकी कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करने पे आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे चेंज, मतलब कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका एक प्रॉपर सेवन सिक्स फाइव जैसे मेरा आ रहा है, एक नंबर आ रहा है प्रॉपर जिसको मैं इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ पे, तो ऐसा नंबर कोई आए आंसर में, ऐसा पुट करना है नंबर, ठीक है। तो आगे हमारे पास तीन नंबर, तीन ही क्यों किए, दो भी कर सकते थे, लाइन बनानी है दो पॉइंट से बन जाएगी, बट क्या है तीन क्यों मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि तीन से क्या होता है, क्या कई बार क्या होता है बच्चा ना कोई यहाँ पे गलती कर देता है, अगर दो पॉइंट ही होंगे तो दो पॉइंट तो बन ही जाएंगे, उनकी लाइन भी बन जाएगी, पर गलती नहीं पता चलेगी। तीन पॉइंट से गलती कैसे पता चलती है, एक सही लिख दिया आपने, दूसरा गलत निकाल लिया, तीसरा सही निकाल लिया, एक पॉइंट सही बनेगा, दूसरा ऊपर या नीचे बनेगा, तीसरा सही बनेगा, तो तीनों लाइन सेम लाइन में नहीं होंगे, तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में नहीं होंगे, तो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पे गलती है। अगर दो ही पॉइंट होंगे वो हमें कहां से पता चलेगा सेम लाइन में है कि नहीं है, या हमारे सब पॉइंट्स सही है कि नहीं है, दो पॉइंट्स को जोड़ के तो एक लाइन बनाई ही जा सकती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप हमेशा तीन पॉइंट्स निकालें। तो अब क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू सारी एक्स की और वाई की पॉजिटिव आ रही है, तो वाई नेगेटिव वाला बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शो कर देना। यहाँ बस एक माइनस वन शो कर दो, नेगेटिव वाला पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट तो जा ही नहीं रहा, एक्स डैश वाई वाई डैश, तो पॉजिटिव वाले बनाओ, कहाँ तक जा रहे हैं, वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, सेवन तक, एक एक्स्ट्रा बना लो चलो एट, और एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, सिर्फ टू तक, तो इसके तीन बना लो, एक दो तीन, मतलब मैं समझाने का ये है कि आपने ग्राफ पेपर जो है कॉपी में काट के लगाने हैं, तो इस कम से कम स्पेस यूज हो ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है, उतने में ही बनाओ जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ना बनाओ और ना ही आपका ग्राफ पेपर फालतू में वेस्ट होगा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट्स बनाने, जीरो कॉमा सेवन, जीरो ये है सेवन ये है, वाई की वैल्यू जीरो कॉमा सेवन आ गया पॉइंट, उसके बाद वन कॉमा सिक्स, वन ये है सिक्स ये है, तो इसको अभी परपेंडिकुलर भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा सिक्स के पास, वन कॉमा सिक्स लिखना जरूरी होता है साथ में पॉइंट, उसके बाद टू कॉमा फाइव। अगर हाँ मैं बताता हूं, अगर मैं दो ही पॉइंट बनाता तो मेरे दोनों में से कोई भी ये गलत भी होता, अगर सपोज करो मैं वन कॉमा सिक्स की जगह पे इसको फोर कॉमा फोर सॉरी वन कॉमा फोर तक बना देता, तो तब भी ये जुड़ जाने थे, लाइन तो तब भी बन जानी है ना, अब भी ये बन जाएगी, तो तीसरे पॉइंट का क्या फायदा है। अब देखो मैं तीसरा पॉइंट बनाऊंगा टू कॉमा फाइव, अब सपोज करो मेरा सेंटर वाला पॉइंट अगर गलत हो जाता वन कॉमा फोर होता है ना, तो क्या होना था, ये देखो ऐसे करके बनना था, ये तीसरा पॉइंट इससे क्लियर हो जाना था हमारा कोई ना कोई गलत है पॉइंट, फिर हम पूरा चेक कर सकते हैं। अब देखो तीन पॉइंट सही जगह पे हैं, लाइन ऐसे देखो स्केल पे रखा बिल्कुल सही बन रहा है, तो क्या करूंगा मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा इनको ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा,
छोड़ दिया, ऐसे एरोज बना दूंगा क्योंकि ये लाइन है तो दोनों पास जितना मर्जी ये फैल सकती है। तो ये इस लाइन किसकी है, किस कौन सी इक्वेशन की है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन की। तो इसके ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं या एरो डाल के लिख दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन। तो ये बन गया ग्राफ इस इक्वेशन का। क्लियर है कैसे ग्राफ बनाते हैं? ठीक है, अब ऐसे ही आपने ग्राफ्स जो हैं वो अपने आप ड्रॉ करने हैं। मैं सोल्यूशन निकाल के बताऊंगा जिसका डिफिकल्ट होगा उसका। ठीक है, ऐसे बनाने हैं ग्राफ्स। अब ये नोट कर लीजिए, सेम बाकी ग्राफ्स जो हैं ऐसे कंटिन्यू करने हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट सम, जिसको बनाने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए हैं। ठीक है, तो आपने भी ये पूरा पहले नोट कर लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है इसमें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन इन द फिगर ए, सो ये हमारी पूरी जो है इसको जो नीचे तीनों फिगर्स है ना इनको मिला के पूरा क्या बोल रहे हैं, वो फिगर ए बोल रहे हैं। ठीक है, ये तीन तीनों मिला के फिगर ए है। ये फिगर ए का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे लिखना है हमने फिगर ए फर्स्ट पार्ट। ये है हमारी फिगर ए का सेकेंड पार्ट और ये है हमारी फिगर बी ए का थर्ड पार्ट। मतलब कि ये तीन ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है, फिगर वन का ए पार्ट है उसके लिए ये इक्वेशन दी हुई है और ये हमारा फिगर वन का ए पार्ट है, ग्राफ दिया हुआ। इस ग्राफ में क्या है, एक लाइन दी हुई है जिसके तीन पॉइंट्स बताए हुए हैं 1, 2। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो बना लेने आपने खुद। ये ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप नोटबुक पे बना सकते हो। ग्राफ पे सिर्फ जो होते हैं ना सॉल्यूशन वाले, जिनका सॉल्यूशन निकालना है वो बनाने की जरूरत होती है। तो ये क्या करना है, अभी मैं साइड में ले लेता हूँ कौन कौन से पॉइंट है इसके। पहले वाले के 1, 2 है, एक 0, 0 है, वो इसी पे लिखा हुआ है पता चल जाता है, ये -1, 2 है। तो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऐसे ही इसके भी हैं 1, 6, 0, 4 और -2, 0। इसके चार पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से, 2, 0 है, एक 1, -2 है, एक 0, -4 है और लास्ट है हमारे पास -1, -6। तो ये इसके तीन और इसके चार पॉइंट्स ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। लाइंस के जो पॉइंट्स जिनको जोड़ के लाइंस बनाई गई हैं वो बताएंगे। अब पता करना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इनमें से चार पॉइंट्स हैं, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से किसकी है, ये ग्राफ किस लाइन का है इनमें से। तो ये कैसे चेक करेंगे, जो ये पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स पुट करके देखने हैं, पहली क्वेश्चन में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई कर जाएंगे उस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, तो मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, पहले तो देखो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 1, 2 फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो दोनों पुट कर दो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये तो 0 नहीं आया, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए थी ना सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर ये पहली इक्वेशन में, पहले पॉइंट में ही नहीं सही आ रहा तो क्या करेंगे, इक्वेशन इज नॉट, सॉरी इक्वेशन ही लिखेंगे, लिख देंगे हम, हाँ दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। जो पहला ही पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो तो ग्राफ की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू 2x पे सेकंड पार्ट आ गया, पॉइंट वही है 1, 2 वाले पुट करके देखेंगे क्योंकि वो पहली वाली में सेटिस्फाई नहीं हुआ था, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब पुट करनी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1, 2 इक्वल टू 2 आ गया। अब कौन सा करना है, दूसरा पॉइंट पुट करना है, कौन सा, 0, 0 जहाँ पे y इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये भी हो गया सेटिस्फाई। तीसरा पॉइंट -1, -2, ठीक है, अब करेंगे y की जगह पे -2 लिखेंगे और x की जगह पे -1, सो -2 इक्वल टू -2 आ गया, ये भी सेटिस्फाई, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। सो एज लिखेंगे, एज ऑल द
points are satisfied, so कौन सी इक्वेशन है ये, y is equal to 2x, y is equal to 2x is the equation of the graph. तो y is equal to 2x जिसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, लेफ्ट एंड राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, जैसे हम चेक करते थे पहले चेक किया हुआ वैसे करना है, तीनों पॉइंट्स को पुट करके देखना उसी इक्वेशन में जिसमें हो गए वो वाली इक्वेशन इस ग्राफ की है, जिसमें नहीं होंगे वो इक्वेशन नहीं है उस ग्राफ की। ऐसे ही आपने इसमें भी पुट करके देखने हैं, ये पॉइंट्स तीन पॉइंट्स है ना, पहले इसमें पुट करके देखने हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट्स जो है हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे वो इसका आंसर है, जिसमें नहीं होंगे वो इसका आंसर नहीं है, मतलब वो इसकी इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं होगी, इनमें से कोई एक ही होगी चारों में से, ठीक है। जैसे मैंने ये किया है, पहले मैंने पहले वाली में पुट करके देखा, पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने वो इक्वेशन ही छोड़ दी, बाकी के पॉइंट करने पुट करने की जरूरत ही नहीं है, एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बाकी के पॉइंट्स हों चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वाली में भी ऐसे ही, पहले को चेक किया सेटिस्फाई हो गया, फिर दूसरा पॉइंट पुट करके वो भी सेटिस्फाई हो गया, तीसरा पॉइंट पुट करके देखा वो भी सेटिस्फाई हो गया, तीनों सेटिस्फाई हो तभी मैंने कहा, अगर कोई इक्वेशन में पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, दूसरा हो गया पर तीसरा नहीं हो रहा, तब भी वो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज नॉट ऑफ द ग्राफ, नॉट सेटिस्फाइड, सो द इक्वेशन इज नॉट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, जिसमें तीनों होंगे वही लिखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन पूरा, मैंने इसको पॉइंट्स लिख दिए, अगर ग्राफ विजिबल नहीं है तो आपको यहाँ जो पॉइंट्स दिए मैंने उसे आप इजिली ग्राफ बना सकते हो, कॉपी पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और ये मैंने सॉल्व करके बताया एक, और एक बात मैं बताना चाहता था, एग्जाम्पल सेवन आपने सोचा होगा, अभी हम सिक्स के बाद सीधा एट करें, एग्जाम्पल सेवन हमने नहीं की, वो इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट सम था, ठीक है, और वो एक तरह से देखा जाए मैं उसको इनकम्प्लीट मानता हूँ, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं दी हुई, तो इसलिए वो इक्वेशन वो सम जो है मैंने छोड़ा है, उसके रिलेटेड है, उसके जैसा ही एक सम एक्सरसाइज में भी है, तो वो वहां से वो स्टेटमेंट पूरी है मेरे हिसाब से वो सही है, तो वो हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल में क्या था वो मैं तब आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये एट्थ में यूज करने की जरूरत है, ये वाली नोट कर लीजिए। तो हमारी इसके बाद शुरू होती है एक्सरसाइज 4.3 के हम पहले तीन सम है वही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो फाइनल पेपर में आते ही बहुत बार आते हैं, तो वो मैं फाइनल हमारी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है फाइनल वीडियो होगी, उसमें जो बाकी जितना भी बचा हमारा चैप्टर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बचा वैसे, तो ये हम सिर्फ आज के लिए ये सिर्फ तीन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में तो बहुत ईजी है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, कैसे, x की वैल्यू पुट की y की निकल आएगी, x की वैल्यू पुट की कोई भी 0, 1, 2 पुट कर लो, y की वैल्यू पुट आ जाएगी 4, 3 और 2 ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, तो ऐसे ही आपने कुछ ग्राफ्स बनाने हैं। इनके लास्ट वाली इक्वेशन में 3 = 2x + y लिखा है, तो आप इसको 2x + y = 3 भी लिख सकते हो अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो अदरवाइज तो ये भी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बताया अभी, मैंने एग्जांपल में भी करवाया कि एक पॉइंट दिया होता है उसमें पूछते हैं इक्वेशंस बनाओ कि कितनी इक्वेशंस जो है लाइन की इसमें से पास कर सकती हैं, वो भी बताना है, तो ये वही सेम क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको बताया था इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब कि x + y = 16 एक इक्वेशन ये बन गई, एक फिर इनको माइनस कर दो, x - y (2 - 14 = -12 एक इक्वेशन ये बन गई, एक y - x कर दो, 14 - 2 = 12 +12 आ गया, एक इक्वेशन ये बन गई, उसके बाद y 14 है ना, 14 = 7x ऐसा हो सकता है, 7 × 2 करेंगे तो 14 बन जाएगा ना, y की वैल्यू आ गई 14, ऐसे भी बन जाती है, और क्या हो सकता है, ऐसे कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, मैंने 4 बना के दिखाई है, ऐसे ही आपने 4 बना के दिखानी है, लिखना फिर बाद में, therefore we can have infinite more such lines as these that can pass through this point, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये ऐसा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्सरसाइज 4.3 में आएगा, तो वो आ गया है, इसमें क्या है, एक पॉइंट मैंने जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अलग अलग से लिखी हुई थी, मैंने बोला था पॉइंट भी आ सकता है, जैसे अब आ गया है 3.4, सो यहां से हमारी पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, 3.4 लाइज ऑन 3y = ax + 7 इस पे लाई करता है, इसके ग्राफ पे लाई करता है, सो
पुट एक्स की वैल्यू क्या 3 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे, इसमें 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 7, 4 3 सर क्या होता है 12, 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का ए इंटू 3, तो ये हो गया 5, 3 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, वो बाद में लिखते हैं। चलो यहाँ पे इसको 3 है लिख लो पहले, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ऊपर 3 नीचे आ गया ना, ए की वैल्यू 5/3 आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आज की जो वीडियो है यहीं पर खत्म करता हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और ऐसे ही मेरे चैनल को आगे आप बढ़ाइए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो आपको तो इसको जितना हो सके अपने रिलेटिव्स या अपने चाहने वालों को जरूर भेजें, ताकि जो भी पढ़ाई कर रहा है टेंथ की वो उनके तक उन तक मेरी जो वीडियोज़ हैं वो पहुँच सके और वो मुझे फॉलो अप कर सकें। और मैंने बताया था मेरा एक और फेसबुक का पेज भी है जिसका नेम है केवी एकेडमी। फेसबुक पेज पे कवनीर नाम से नहीं उठा रहे थे तो इसलिए मैंने इसका नाम केवी एकेडमी रख दिया। फेसबुक पेज जो है मेरा केवी एकेडमी के नेम से है, वहां उसको जाके लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरा चैप्टर जो होता है सॉल्व करते हैं, उसमें वीडियो डालता रहता हूँ लाइन बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, सो दैट जो स्टूडेंट्स मेरे बाद में ज्वाइन करते हैं मुझे वो इजीली सारी वीडियोस जो उस चैप्टर के रिलेटेड हैं पहले हम कर चुके हैं वो इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया थैंक्स अगेन जिन्होंने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब किया है, और आगे भी करते रहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।